इतना जा रहा हूँ, ये नहीं पानी एंजॉय करते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। इस वक्त हम लोग जा रहे हैं वाइल्ड एडवेंचर वाटर पार्क के लिए, और मेरे साथ कौन कौन जाने वाला है मैं आपसे मिलवा देता हूँ। हमारे साथ जा रहे हैं भाई एहतिशाम भाई, जा रहे हैं फुल चपाटा लौटे बन के आए हैं आज। और हमारे साथ जा रहे हैं एक भाई है, आपका नाम क्या? रमजान। रमजान भाई है, और साथ हमारे असल भाई तिलक भाई, इनको तो आपने जानते ही होंगे सब, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है भाई। और वहाँ पर जो वाइल्ड एडवेंचर की एंट्री है ना, वो तकरीबन 1000 रुपये की एंट्री है, और काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको ब्लॉक के अंदर। और बाकी मैंने क्लासेस जो यहाँ से लिए हैं अभी खरीदे, और आप बताएं क्लासेस कैसे लग रहे हैं मेरे चेहरे के ऊपर। ये हमारा ब्लॉग ख़राब कर रहे हैं, ये लौटा हमारा ब्लॉग ख़राब कर रहे हैं। अबे चल लो आगे, होते हैं वक्त दिखाने को बताने को, चलो आगे चले निकलते हैं। चले जी, फाइनली हम वाइल्ड एडवेंचर वाटर पार्क पहुंच चुके हैं, और इस टाइम आप देख रहे हैं लोगों का काफ़ी ज़्यादा रश है, और ये आपको नज़र आ रूँगी यहाँ पे स्कूल के बच्चे और कॉलेज वगैरह के बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं इस टाइम पे। और फाइनली हमारे यहाँ पर टिकट आ चुका है, ये टिकट है, और इसकी अगर मैं आपको एंट्री फीस बताऊँ तो 1000 रुपये का टिकट यहाँ मिलता है आपको। और हमारे साथ ये आए हुए रमजान भाई, आर यू एक्साइटेड? मैं तो कह रहा हूँ बस अंदर चलो, टिकट विकेट छोड़ो भाई, राय नहीं जा रहा। टिकट मिल गई है, टिकट मिल गई है ना, टिकट फाइनली हमारी आ चुकी है। खाना बस बिलर कर देना टिकट। चले जी, फाइनली हम लोग निकल रहे हैं अंदर की तरफ, एंट्री हो रही है, ये हमारा टिकट है। चले जी, फाइनली हम लोग अंदर आ चुके हैं वाइल्ड एडवेंचर वाटर पार्क के अंदर। यहाँ पे आके आप एंट्री वगैरह करवाएं, और लॉकर वगैरह आप ले सकते हैं। और अगर मैं उसकी प्राइस बताऊँ तो तकरीबन 200 रुपये का ही लॉकर मिलता है, और 500 रुपये वो एडवांस रखते हैं, लेकिन अब फिर आप ये कि आपकी सेफली आपका सामान जो है वो सेफ हो जाता है एक तरह से। आपने कभी नहाया नहीं होगा, आप जाके यहाँ पे नहा लें, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे। मिले अच्छा, लास्ट टाइम जब मैं आया था तो यहाँ पे लॉकर की प्राइस जो थी वो 200 रुपीज थी, अभी जो है वो प्राइस बढ़ गए हैं तकरीबन 400 रुपये बोले, 400-500। उसकी वजह ये आप देख सकते हैं सब, रश कितना ज़्यादा है लोग, किस वजह से रेट बढ़ गए हैं यहाँ पे। चले जी, हमने लॉकर ले लिया है, और 400 रुपये का लॉकर लिया छोटा, और बाकी अगर बड़ा लेते हैं तो 500 का, और कुछ इस तरह का दिया है, अगर ये कह रहा टूटेगा या कुछ भी होगा तो आपको 500 रुपये रिटर्न नहीं मिलेंगे जो एडवांस लिए, और ये आपका लॉकर रूम है। चले जी, फाइनली हमने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, और हमने सन ब्लॉक वगैरह लगा लिया, हमारे असद भाई ने भी लगा लिया। असद भाई जी, भाई लगा लिया आपने? हाँ भाई, देखो ना कितने हो गए आपको, भूत जैसा हो गया, बिल्कुल भूत जैसा हो गया, मौसम बहुत टाइट हो गया यकीन है ना, अभी नहाने वाला मौसम हो चुका है, ये काला नहीं हो रहा, बिल्कुल सही है। उन्होंने बोला कि मैंने क्रीम लगा लिया, मैं काला नहीं हूँ, इनका जो दिल काला उसको कैसे बोरा करें। ये सही बात है यार, बिल्कुल सही बात करी, कहाँ से लाते हो ऐसी बातें यार, बस आ जाती है, आ जाती है। अच्छा, ये आपके सामने हट नजर आ रहे हैं, अगर आप जल्दी आते हैं ना तो आपको ये हट वगैरह भी आपको मिल सकते हैं। चले जी, आप हम लोग जा रहे हैं, और बड़ा टाइट सीन चल रहा है भाई, बहुत ज़बरदस्त सीन है। अब मोबाइल को जो है अपने कवर में डाल लेते हैं, उसके बाद घुस जाते हैं भाई इनके अंदर। आजा 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 भाई, हाथ से थोड़ी लगना था, खुद हो जाएगा, पानी नहीं है। 1 2 3 बहुत कम पानी है। बस आ गया, आ गए तुम, कैसा लग रहा है? पानी कम है, टाइप पे मारूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा भाई, बताओ मजा आ रहा है। अंदर चलते हैं, आज अंदर चलते हैं, चलो कहाँ चलते हैं? दूसरे पुल में चलते हैं, घेरा हो थोड़ा, नहीं नहीं बच्चों वाली, बच्चों वाली है, बच्चों वाली भाई, भाई बच्चों वाली। पानी बहुत कम है, पानी यहाँ तक आ रहा है, हमारे यहाँ तक आ रहा है भाई। अब ये दोनों जो है सांस रोकने वाले पानी में, चलो चढ़ने वाले, चलो चलो चलो, 3 2 1 गो गो, चलो। ये बंदा सांप कितने छोड़ दिया पुल पे, इतना फिर जा रहा हूँ, ये नहीं पानी एंजॉय करते हुए। रुक गया यार, ये तो रुक गया। मैं अभी स्लाइडिंग करते हुए आया हूँ, हमारे असद भाई है वो स्लाइड करते हुए आ रहे हैं, ये आप चेक करें, सीन चेक करें, हमारे असद भाई लेटते हुए आ रहे हैं, बहुत स्लो आ रहे हैं, बहुत स्लो, ये चेक करें। वाह,
स्लाइडिंग कर नहीं सकता था भाई। सीन ऐसा कुछ है कि अभी जो है सब कुछ स्लाइडिंग वगैरह सारी बंद कर दी गई है, उसकी वजह ये है कि अभी नमाज का टाइम हो चुका है और लंच का टाइम हो चुका है, तो उस टाइम जो है आपकी सारी चीज़ें बंद हो जाती है एक घंटे के लिए। वैसे आप खाना पीना जो भी आपको करना है वो कर ले, और जैसे स्कूल के बच्चे आए होते हैं कॉलेज के बच्चे आए होते हैं तो उनकी टाइमिंग वगैरह भी होती है 1:30 बजे ना, तो लंच वगैरह करते हैं। ये सारी चीज़ें बाकी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, यहाँ पर कुछ जगहें बनी हुई हैं, यहाँ पर सहूलत मौजूद है वॉशरूम वगैरह के लिए भी, लेडीज़ के भी और जेंट्स के लिए भी। बाकी हमारे भाई लोग जब आगे चले गए तो रश बहुत है यार, आज रश जो है ना काफ़ी ज़्यादा है लोगों का, काफ़ी ज़्यादा है यार। यकीन करें आज का दिन बड़ा ज़बरदस्त हो गया, मौसम बड़ा शपाटर हो गया, बहुत टाइट सीन हो गया। पहली स्लाइड लेते हैं, ये स्लाइड हमारी नहीं खवातीन के लिए, भाई को पता ही नहीं है। और बाकी आपको ये हट वगैरह नज़र आ रहे हैं काफ़ी ज़बरदस्त बने हुए, और जल्दी आते हैं तो आपको ये जगह आपको यहाँ पे मिल जाएगी, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। जो आप 1000 रुपये एंट्री फीस देते हैं ना बाहर, बस उसी के अंदर ही इंक्लूड होता है आपका। और बाकी यहाँ पे देखिए क्रिकेट वगैरह भी चल रही है, यहाँ पे लोग क्रिकेट वगैरह भी खेल रहे हैं, क्या सीन चल रहा है यहाँ पे, इतना बेहतरीन व्यू है यहाँ से, ये चेक करें। ये अभी स्लाइड जो है अभी बन रही है, इस पर अभी वो चल रहा है काम वगैरह, वर्किंग वगैरह चल रही है, मतलब ये चेक कर रहे हैं कि कोई ख़तरा वगैरह नहीं हो, सेफ साइड वगैरह सब हर चीज़ चेक कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद ये नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो ये ओपन हो चुका होगा। चले जी भाई, हमारा ऑर्डर जो रेडी होकर आ चुका है, ये देखिए हमारे असद भाई लेके जा रहे हैं। क्या होगा असद भाई, कैसे जा रहे हो आप? गिरा मत देना, अगर ये गिर गए ना ये आखिरी उम्मीद है हमारी, आखिरी उसके अलावा हमारे पैसे भी गाड़ी में पड़े। फिर दिन भर में मंगाया था भाई, कैसा है भाई टेस्ट में? सही है, एवरेज है, एवरेज है, पर पैसों के हिसाब से बहुत महंगा है। महंगा है ना, मतलब 410 रुपये का है, लेकिन इन जगहों पर ना आपको इस तरीके ही मिलते हैं, ज़्यादा अच्छा मिलता नहीं है। बाकी ट्राई कर लेता हूँ बना हुआ कैसा है, बस सही है, एवरेज है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट मैं ऐसा बुरा भी नहीं है, सही है। आपको मैं बड़ा टाइट सीन दिखा दूँ, यहाँ से सीन चेक करें भाई, कितना ज़बरदस्त बड़ा सीन है, कितना अच्छा लग रहा, पानी ऊपर से गिरता हुआ आपको नज़र आ रहा है। भाई पुल चेक करें, यहाँ का सबसे बड़ा पुल है ये इस टाइम, भाई पानी भी नहीं जा रहे भाई। अब यार जाएंगे अभी, वीडियो तो बना ले हर भाई जो है यहाँ पे अपनी वीडियो बनाने में लगे हुए, लेकिन यार काफ़ी अच्छा है यार, काफ़ी अच्छा पार्क है, बहुत साफ सुथरा पार्क है, फैमिली के लिए और दोस्तों के फ्रेंड के साथ अगर आप थे तो काफ़ी इंजॉय करेंगे आप। चले जी, अब लोग आप स्लाइड लेने के लिए जा रहे हैं, ये स्लाइड है यहाँ पे, कितनी ऊँची है, यहाँ से बड़ों का इंतजाम नहीं है, बच्चों के लिए भी स्लाइडिंग वगैरह बनाई हुई है। अगर छोटे बच्चे आपके साथ 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे भी है ना तो भी यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं। ये देखें, ये बच्चों के लिए बनाया हुआ छोटा सा पुल है, आगे की तरफ भी था एक, उस तरफ भी था, बच्चों के लिए बनाया हुआ था और ये बच्चों के लिए बनाया हुआ है, छोटा सा पुल है लेकिन काफ़ी अच्छा है, पानी ज़्यादा गहरा नहीं है। ये देखें कैसे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे पुल बनाए हुए यहाँ पे, तो मतलब फैमिली वगैरह के लिए तो काफ़ी अच्छा बनाया हुआ, काफ़ी अच्छा एरिया है। यहाँ पे एक सेपरेट पोर्शन भी बनाया हुआ है, यहाँ पे आप जाके फैमिली वगैरह अगर जो पर्दा वगैरह करती है तो वो भी यहाँ पे आके एंजॉय कर सकती है। ये पुल चेक करें, फ्लैट चेक करें, बढ़िया। बाकी ये पानी के अंदर घुसता हूँ, ठंडा पानी हो रहा है यार, ये पानी बड़ा टाइट है यार, ठंडा पानी है मुझे। व्यू चेक करें यार आप, यार अभी तो हमने ना काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी ज़्यादा मज़ा किया है, मौसम जो है ना बड़ा बेहतरीन हो चुका है, तकरीबन शाम हो चुकी है और इस तक जो है ना बादल बिल्कुल जमीन को नीचे तक आ गए हैं। ये आप चेक करें यार, बादल कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं यहाँ पर, आपको नज़र आ रहे होंगे बिल्कुल काले सिया बादल हैं जो नीचे आए हुए हैं। यार जगह चेक करें, बड़ी बेहतरीन है यार, आप लोग अपनी फैमिली के साथ दोस्तों के साथ इस जगह पर आएँ, आप जरूर इंजॉय करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा आपको यहाँ पर आने के बाद। और प्राइस जो है तकरीबन 1000 रुपये का टिकट है और कराची से तकरीबन 27 किलोमीटर का सफ़र। चले जी, फाइनली टाइम हो चुका है जाने का और हमने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और इस टाइम आप देख सकते हैं लोगों का रश भी काफ़ी ज़्यादा था। भाई कैसा रहा आज का दिन? भाई बड़ा मज़ा आया, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हाँ। और बाकी रश इस टाइम बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लोग, मतलब अगर मैं बताऊँ आज वेडनेसडे है लेकिन रश ऐसा लग रहा है संडे या सैटरडे का दिन है, लोग खूब इंजॉय करने यहाँ पर आए हुए। तो आप अपनी फैमिली के साथ दोस्तों के साथ इस जगह पर जरूर विजिट करें, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर और हमें सपोर्ट करना ना भूले।